Hi guys, गाइस वेलकम बैक टू channel. चैनल कैसे आप सब आज की वीडियो है स्किन केयर के ऊपर तो या आई एम राइट नाउ विदउट एनी मेकअप फटाफट से अपनी स्किन केयर करते हैं मैं यूज करने वाले हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स के न्यूली लॉन्च रेंज है ये स्किन केयर रेंज है एक्वाहॉलिक रेंज आई लव द पैकेजिंग मुझे इसके लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी ये मेरी पी आर में मुझे रिसीव हुआ था थैंक यू सो मच शुगर कॉस्मेटिक्स मुझे अपनी न्यूली लॉन्च रेंज सेंड करने के लिए तो चलो गाइज इसके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आई लव द पैकेजिंग आप लुक देख सकते हो ब्लैक एंड स्काय ब्लू कलर की ट्रेवल फ्रेंडली है गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्वाहोलिक इंस्टेंट पोर क्लेंजिंग मास्क से कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होगा अंदर से आपको ट्यूब पैकेजिंग मिलेगी अगेन आई वुड लाइक टू से ये एक ट्रेवल फ्रेंडली इन्होंने पैकेजिंग रखी है एंड इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया एक तो इसका स्काई ब्लू कलर मुझे बहुत ही ज्यादा इसका ना खूबसूरत लगा और अट्रैक्टिव सा लगा ओके देरस अ ट्विस्ट जब आप इस मास्क को अप्लाई करते हो ना मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी uh, चीज ना ट्राई की थी जब आप इसको अप्लाई करते हो जस्ट लीव फॉर थर्टी टू फोर्टी सेकेंड ये ना बबल सा क्रिएट करता एक फोम सा टेक्स्चर हो जाता है इसका जब ये एक बार फोमी सा टेक्स्चर हो जाएगा ना अपने आप हो जाएगा यूल फील अ सेंसेशन और वो जो सेंसेशन होते हैं ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाली सेंसेशन होती होती उसके बाद आपने मसाज करना होता है चलो फेस के ऊपर इसको ट्राई करते हैं मैंने आपको क्लोजअप थोड़ा सा दिखा दिया अच्छा ये क्या है गाइज एक डीप क्लेंजिंग मास्क है जिसके अंदर है चारकोल पाउडर और कायोलिन क्ले ये अच्छी तरह से आपके स्किन में से इम्प्योरिटीज को निकालता है अब्जॉर्ब करता है जो भी एक्सेस ऑयल्स वगैरह होते हैं ना उसको भी निकाल लेता है डिटॉक्सीफाई करता है आपकी स्किन को टाइटन करता है पोर को अगर आपको ग्लोइंग एंड रिफ्रेश स्किन चाहिए ना ट्राई दिस मास्क एंड ये डीप क्लेंजिंग करेगा मॉइस्चर को रिटेन करता है स्मूदन करता है आपकी स्किन को प्लम करता है मेंटेन करता है एक uh, पॉजिटिव ऑयल मॉइस्चर बैलेंस को मतलब मेंटेन रखता है ये आपकी स्किन के ऊपर जिससे आपकी स्किन एकदम हेल्दी हो जाती है रेडिएंट हो जाती है आपने देखा मैंने थोड़ा सा पोर क्लेंजिंग मास्क लिया फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया उसको आप ऐसे ही छोड़ दो मैंने वीडियो को कट नहीं किया कुछ भी नहीं किया एंड अपने आप ना एक फोम सा क्रिएट हो गया मेरे फेस के ऊपर ओ माई गॉड द सेंसेशन वॉज सो अमेजिंग एक ना छोटा सा अलग से ही एक सेंसेशन uh, होती है वॉट इज से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही गुदगुदी से होती है मेरे फेस के के ऊपर इसको इसको करने बाद, बाद उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मसाज, yeah, मसाज करोगे उसके बाद फिर आपने इसको सिंपली वाटर के साथ अपने फेस को क्लीन कर लेना है एंड उसके बाद रिजल्ट आपके सामने एकदम हेल्दी एकदम रिफ्रेश और ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगी चलो मूव ऑन करतेकेंड स्टेप के ऊपर एक्वाहोलिक पोर एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है अगेन गाइस ट्यूब पैकेजिंग है ट्रेवल फ्रेंडली है और स्क्रबिंग uh, आपको ना हफ्ते में दो बार करनी चाहिए मैं आपको थोड़े से इसके बीड्स दिखाती हूँ स्क्रबिंग बीड्स जो होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं स्क्रब में वो एकदम माइन्यूट होने चाहिए जो आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हार्श ना हो आप इसके बीट्स देख सकते हो ओ माय गॉड इतने माइन्यूट है जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देते हैं लेकिन हार्श नहीं होते आपके स्किन के ऊपर इसके अंदर है जोजबा ऑयल कैस्टर ऑयल एंड वाइटमिन ई एंड या डैम्प स्किन के ऊपर मतलब आपकी स्किन थोड़ी सी गीली होनी चाहिए उसके ऊपर आपने स्क्रबिंग करनी होती है आईज एरिया को अवॉइड करना होता है आपने ये जो स्क्रब है ना आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा जेंटली एलिमिनेट करेगा इम्प्योरिटीज़ को डेड स्किन सेल्स हो गए अगर आपके फेस के ऊपर नोज एरिया पे अगर आपके व्हाइट हेड्स हैं ब्लैक हेड्स हैं अच्छे से उसको क्लीन करेगा एंड आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा रिफाइन करेगा आपकी स्किन के टेक्सचर को एंड स्किन आप मेरी देख ही सकते थे थर्ड स्टेप एक्वोहलिकलुरिक एसिड सीरम हम यूज करने वाले हैं इसके पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है ड्रॉपर टाइप की जो पैकेजिंग होती है ना बिल्कुल वैसी है टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लाइट वेट है आपकी स्किन के ऊपर ही आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा मॉइस्चराइज कर देगा एंड जो है एसिड होता है ना गाइज वो रिड्यूस करता है अपियरेंस ऑफ द फाइन लाइन एंड द रिंकल्स एंड प्रोवाइड करता है एंटी डिफेंस अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज या आपकी स्किन के ना रिड्यूस करता है इन्फ्लमेशन को भी स्किन को सॉफ्ट करता है स्मूथ करता, करता है इवन आउट करता है बेसिकली आपकी स्किन को जिसे आप देखोगे आपकी स्किन एकदम फ्रेश दिख रही है सॉफ्ट दिख रही है एंड काफ़ी हाइड्रेटेड दिख रही है टेक्सचर बहुत अच्छा था चिपचिप -चिप नहीं कर रहा था फिर मैं यूज़ करूंगी एक्वाहॉलिक क्लेरिफाइंग स्पॉट जेल ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला प्रोडक्ट था मुझे काफ़ी इनोवेटिव लगा इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टिक फॉर्म में आपको ये रोल ऑन स्टिक होती है ना बिल्कुल वैसा ये आपको प्रोडक्ट है हाँ जी कुछ इस हिसाब से, से रोल ऑन है ये देख सकते हो आपको जस्ट जहाँ पे भी आपके पिंपल्स वगैरह हैं आपने वहाँ पे इसको जस्ट रोल ऑन की तरह गोल गोल ऐसे राउंड राउंड सर्कल में आपने इसको मूव करना है अगर आपके ब्रेकआउट्स हैं या फिर स्पॉट्स हैं ब्लैमिशेज हैं ये उसको रिमूव करने में आपको हेल्प करेगा नॉन स्टिकी फॉर्मूला है रिफ्रेशिंग स्पॉट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना ये वो है आपकी स्किन को काम भी करेगा एंड लाइट वेट है बहुत जल्दी ये ना ड्राई भी हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर एंड बैलेंस करता है ऑयल प्रोडक्शन को पिम्पल्स को भी टैकल करता है इसके अंदर है सेलिसिलिक एसिड जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है हर पोर्स को क्लीन भी रखता है एलोवेरा है इसके अंदर हनी भी है जो सूद करता है हील करता है आपकी स्किन को स्किन को सप्पल करता है चलो फिर मूव ऑन करते हैं एक्वाहोलिक हाइड्रेटिंग प्राइमर की तरफ दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट ये जो प्राइमर है ना गाइज ये परफेक्ट मिक्स है मेकअप और स्किन केयर का एब्सोल्युटली आपके पास ये प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए गाइज ये प्राइमर का तो काम करता ही करता है ठीक है साथ साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है नरिशमेंट भी देता है ना आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी देता है हर एक स्किन टाइप को ये सूट करेगा एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया मेकअप करने से पहले आप इस प्राइमर को जरूर अप्लाई करो मैंने इसको जब अप्लाई किया था ना एंड यू ऑल नो कि प्राइमर हमें मेकअप करने से पहले फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाने से पहले जरूर अप्लाई करना चाहिए आपके पोर्स को ब्लर आउट करता है इवन आउट करता है आपके स्किन के टेक्चर को जिससे जब यह फाउंडेशन अप्लाई करते हो बहुत स्मूथ सा बेस होता है तो प्राइमर में आपको जरूर बोलूँ सारी प्रोडक्ट्स इनके मुझे काफी पसंद आए परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो या ये था मेरा छोटा सा रिव्यू होप आपको वीडियो अच्छी लगी मिलते हैं अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय लव यू एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना कॉमेंट करके जरूर बताना बाय बाय